G20 के लिए राष्ट्रपति को भेजे गए निमंत्रण में मोदी सरकार ने इंडिया की जगह देश का नाम भारत लिखा। अब विदेशों से प्रधानमंत्री के लिए जो निमंत्रण आ रहे हैं उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जाने लगा है। मोदी को इंडोनेशिया जाना है, इंडोनेशिया से जो निमंत्रण आया है उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है। इंडोनेशिया को सपना तो आया नहीं होगा कि अब इंडिया नहीं भारत लिखना है। मोदी जी ने फोन करके बताया होगा कि हमको अब जो निमंत्रण भेजना उसमें इंडिया नहीं भारत लिखना, क्योंकि हमारे देश में इंडिया नाम का एक गठबंधन बन गया है। अगर इंडिया लिखकर भेजोगे तो हमारे जहाज में 28 दलों वाला इंडिया भी घुस जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि किसी निमंत्रण पर इंडिया की जगह भारत लिखने वाला इंडोनेशिया पहला देश बन गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या भारत की जगह इंडिया लिखना गैर संवैधानिक है। ये तो अलग अलग नाम कहां से आए, अंग्रेजी नाम हटाना क्या जरूरी है, अगर नाम हटाया गया तो क्या हो जाएगा, अगर इंडिया नाम हटाया गया तो कितना खर्चा आएगा। इस तरह के हर सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए। तो वीडियो सवाल नंबर एक से शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक ये है कि इंडिया का नाम जन्मा कैसे। तो सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस नाम से जानते थे। इंडस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। यूनान के इतिहासकार हेरोडस ने 440 ईसा पूर्व इंडस शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने टर्की और ईरान से इंडिया की तुलना करते हुए कहा था कि इंडिया स्वर्ग जैसा है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और जिस क्षेत्र में काफी ज्यादा आबादी रहती है। तो इंडिया नाम यहीं से लिया गया। अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत का आधिकारिक नाम अपने कामकाज में इंडिया रख दिया। दूसरों के लिए भारत इंडिया था, लेकिन हमारे लिए हमारे देश के बहुत से नाम थे। हिंद था, हिंदुस्तान था, जम्मू द्वीप था, भारतवर्ष था, आर्यव्रत था, अल हिंद जैसे कई नाम थे। अरबों ने इस देश को अल हिंद कहा और टर्की के आक्रांताओं, दिल्ली के सुल्तानों और बादशाहों ने अपने भारतीय प्रभुत्व वाले भूभाग को हिंदुस्तान कहा। फिर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी जितने राज्य जीतती गई उनको इंडिया कहती गई। अब सवाल नंबर दो ये है कि भारत नाम आया कहाँ से। पुराने समय में भारत के अलग अलग नाम रहे हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, भारतवर्ष, आर्यव्रत, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। हालांकि इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित नाम भारत रहा है। भारत नाम के कई रेफरेंस मिलते हैं, जैसे राजा दशरथ के बेटे का नाम भरत था, उनके नाम से भरत से देश का नाम भारत हुआ। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि के नाम से, पुरुष वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम से भी देश का नाम भारत पड़ा। ऐसे भी कुछ लोग मानते हैं भरत को 16 सर्वश्रेष्ठ राजाओं में गिना गया है। अब सवाल नंबर तीन ये आता है कि जब संविधान बना तब बाबा साहब ने देश का नाम भारत क्यों और कैसे दिया। सवाल नंबर तीन, संविधान सभा में भारत नाम पर क्या चर्चा हुई। दोस्तों भारत का संविधान अंग्रेजी में लिखा गया। जो भी ड्राफ्ट पेश किया गया और बहस के दौरान जो भी प्रस्ताव रखे गए वो अंग्रेजी में थे। संविधान सभा की बहस के दौरान 17 सितंबर 1949 को संघ का नाम और राज क्षेत्र खंड चर्चा के लिए पेश हुआ। जैसे ही अनुच्छेद एक पढ़ा गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, संविधान सभा में इसे लेकर मतभेद उभर आए। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरिविष्णु कामत ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई जिसमें देश के दो नाम इंडिया और भारत थे। उसके बाद उन्होंने संशोधन प्रस्ताव रखा जिसमें इंडिया की जगह भारत नाम सुझाया गया। एक दूसरे सदस्य सेठ गोविंद दास ने कहा कि वेदों, महाभारत, कुछ पुराणों और चीनी यात्री हेन सांग के लेखों में भारत देश का मूल नाम था, इसलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में इंडिया को प्राथमिक नाम के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए। दोस्तों संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले हरिगोविंद पंत ने स्पष्ट किया कि उत्तर भारत के लोग भारतवर्ष नाम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने कोई भी संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और हमारे संविधान में देश का नाम भारत और इंडिया दोनों रखे गए। भारतीय संविधान की हिंदी कॉपी में आर्टिकल 1 के 1 में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी भारत और इंडिया दोनों को बराबर माना गया है। अब सवाल ये उठता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखना गैर संवैधानिक है या नहीं। देखिए दोस्तों, भारत का संविधान अंग्रेजी में लिखा गया, इसके आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया इज दैट भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान की हिंदी कॉपी में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। इन दोनों का इस्तेमाल संवैधानिक है। अगर इन दोनों नामों के इतर कोई हिंदुस्तान, आर्यव्रत या जम्बूद्वीप लिखने लगे तो इसे संविधान के खिलाफ माना जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर एक परंपरा का निर्वहन नहीं किया गया है। इसे इसी रूप में देख सकते हैं, न कि संविधान के उल्लंघन के रूप में। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये गैर संवैधानिक नहीं है
तो दिक्कत क्या है? दोस्तों ये कॉन्ट्रोवर्सी राजनीतिक है क्योंकि विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया है, इसीलिए मोदी सरकार ने इस नाम का इस्तेमाल कम कर दिया है या फिर मोदी सरकार इस नाम से कुछ चिढ़ने लगी है, इसीलिए भारत नाम पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मोदी इंडिया के नाम से भाग रहे हैं और विपक्ष इस पर आपत्ति जता रहा है। अब सवाल नंबर 6 ये है कि अगर देश का नाम इंडिया खत्म करना है तो क्या करना होगा? दोस्तों अगर देश का अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करके सिर्फ भारत करना है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संसद के पास ये शक्ति है कि वो संविधान संशोधन कर सकती है। इसके लिए एक विधेयक लाना होगा और 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा और सरकार के पास राज्यसभा में 2/3 बहुमत है नहीं। नाम बदलने में मुश्किल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की खंडपीठ ने केशवानंद भारती केस में ऐतिहासिक फैसला दिया था कि संविधान संशोधन से संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि इंडिया नाम खत्म हुआ तो क्या मुश्किलें भारत के लोगों को फेस करनी पड़ेंगी? सवाल नंबर 7, अगर इंडिया नाम खत्म हो गया तो क्या चुनौतियां आएंगी? अगर इंडिया नाम हटा दिया गया तो संविधान से लेकर तमाम संस्थाओं तक में इसे बदलना पड़ेगा। मसलन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत हो जाएगा। इसी तरह तमाम वैश्विक संगठन जैसे यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में इंडिया नाम ही चलता है, वहां भी संशोधन करने पड़ेंगे। इसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक अनावश्यक खर्च देश पर बोझ की तरह लग जाएगा जिसकी कोई जरूरत नहीं लगती। अब आता है सवाल नंबर 8। सवाल 8 क्या है? क्या देश का अंग्रेजी नाम इंडिया हटाने की पहले भी कोशिश हुई है? तो दोस्तों 2012 में कांग्रेस के सांसद रहे शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 में और संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द का उपयोग हुआ है उसे बदलकर अब भारत कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इंडिया शब्द से एक सामंतशाही शासन का बोध होता है जबकि भारत ऐसा नहीं है। शांताराम नाइक गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। इसमें संविधान में इंडिया शब्द के स्थान पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की गई थी। जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3-सदस्यीय बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि आपको देश के नाम भारत और इंडिया के बारे में बहुत सारी चीजें पता चल गई होंगी। मित्रों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं। राम राम, जय सलाम, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करना तो ना भूलें क्योंकि आप ही हमारी ताकत है, आप ही हमारी मजबूती है। मजबूती बनाए रखिए। जय हिंद।